ओट्रिपलएससी तरफ पीओ और जूनियर असिस्टेंट मास्टर मेरिट्स पब्लीश हो सारी जोड़ी आप निजर स्कोर चेक करेंगे आपन डिस्ट्रिक्ट हाइस्ट के स्कोर जाइए भी आपड़ चेक करेंगे निजर सीरीयल नंबर देखिपारे आउट कथा निजे भी सी आनालीसीस करेंगे आपन को कैटेगरी के कटअप जाए पूरा जब आप कंप्लीट पढ़े आपड़ डेफिनेटली जानपरेंगे तो ये भिडियो मुझे डिस्कसन करी आपर एससीबीसी मेल मुझे आउ थे कहीदे एससीबीसी मेल मान से कटअप के विषय मुझे डिस्कसन करी मैंने जदि अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आप बिलंगस करी आप 152.5 रखिंट एससीबीसी मेल कथ कह तो डेफिनेटली एससीबीसी फीमेल मान आठ स्कोर कम जीव आर मेल मान आठ अधिक भी जाए ओके मुझे यार एससीबीसी मेल कंप्लीट डिस्कसन करी तो 152.5 जब आप रखिंट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट एससीबीसी मेल अधिक रखें तो डेफिनेट आप क्वालिफाई करते हैं 152.5 भी रखते आप क्वालिफाई करेंगे देखो ये डाटा मुझे पीडीएफ को देखिए ही बनई हूं तो डाटा मोर किसी डाटा मैंने भूल थे एपट सेपट थे टी एडजस्ट करने बट मो तरफ ट्राए कर आकुरेट डाटा को आने बिकज सबुतक पीडीएफ मुझे चेक करती पीडीएफ मैंने आप कटअप के भी ठीक से मुझे चेक करती मुझे विषय में कह डिटेल्स भिडियो आप बुझीपारे आप स्क्रीनशॉट नहीं चेक करेंगे जहाँ भी कटअप अच्छे सबुतक डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल अच्छे बस मुझक से पीडीएफ देखा मास्टर मेरिट लिस्ट आप जिन गोटे बेसिक आइडिया पाइबे यहाँ हूँ से मास्टर मेरिट लिस्ट जो आप खोर्धा डिस्ट्रिक्ट देखिपटे सीरीयल नंबर वन आप स्कोर अनुसार ये सीरीयल नंबर क्रिएट करती आप जो मैं बहुत भल स्कोर अच्छी सीरीयल नंबर तो डेफिनेटली ऊपर हो जमी आप सीरीयल नंबर वन आप देखिपे सीरीयल नंबर वन आप सीरीयल नंबर वन स्कोर भी देखिपे 177 अच्छे जोटा कि आप देखिपे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट अच्छे आउर ये जो राइट साइड जो जेए लिखाई यहाँ मुझे टी कन्फ्यूज अच्छे जेए जो लिखाई जेए पीओ ये दुटाई इलीजिबल कि नाइटा मुझे भी कहीपरि बिकज ये आप्रिपल एसी निजे यार मेनसन करनी यार किसी बिकज गोटे पिला जब रैंक वन आसी तार स्कोर जब 177 अच्छे तो डेफिनेटली सी तो पीओ आउ जे दुटाई इलीजिबल ना कारण से तो एमती ये केवल प्लस टू एज की लिखा है ना से प्लस टू पर ही अप्लाई करती कि आपर ग्राजुएसन अप्लाई करती सेम मेनसन ना जदि गोटे पिला बहुत भल स्कोर करते डेफिनेटली दुटा का चान्स मिलेगा कथा ओके ये यार मुझे कहूँ या डिटेल्स मतलब कि जाना ओके बाकी आप देखते जो मैंने सीरीयल नंबर वन अच्छे तो डेफिनेटली 177 सीरीयल नंबर वन आप मन रखिए रैंक को फोकस करते सबुतक सीरीयल नंबर मतलब सीरीयल नंबर जिते आप भल अच्छे आप चान्सेस बहुत बनी बुझीपाले समस्ते ये निजर आप स्कोर आसे चेक करेंगे ओके जब किसी डाउट अच्छे आप गोटे काम करेंगे कंट्रोल एफ मारे कंट्रोल एफ रे निजो ना को सर्च करके डायरेक्टली मास्टर मेरिट लिस्ट निजर ना भी चेक करेंगे निजो स्कोर भी देखिपारे सीरीयल नंबर भी आराम से देखिपारे मुझे कहीदे जो मानक सीरीयल नंबर बहुत भल अच्छे तो डेफिनेटली आप चान्सेस बनुच्छे युआर आपर युआर कि एससीबीसी कथ मुझे ओके बाकी देखो कटअप केमती आप डिफाइन करेंगे मुझे जमी कटअप शब्द लिखी रिजन कौन देखो मुझ चेक कर चली एससीबीसी एससीबीसी मेल कथा मुझे धरिक जाऊँ एससीबीसी मेल मुझ मार्क डिस्ट्रीब्यूट कर देखो एससीबीसी मेल आप देखिपे एससीबीसी मेल 154.5 यहाँ कौ डिस्ट्रिक्टर कटक डिस्ट्रिक्टर 154.5 देखो ये युआर लिखाई है पीई आप पीओ पर लिखाई है ठीक अच्छे बट जो मुझे जाऊँ एससीबीसी मेल देखो एससीबीसी मेल 154 सीएस आप देखिपे 154 भी आप कनसीडर सरी ये ओमेन अच्छा मुझे मेन कथ कौन एससीबीसी मेन देखो 154 सी कौन आप पोस्ट आसाइन मानते स्किल टेस्ट पर आसाइन करा जाए बट आप ये देखिपे 154.5 आसाइन करें तो मैंने यहीटा आप लास्ट स्कोर ता तौक आज जो मैंने सिलेक्ट होना एससीबीसी मेल एससीबीसी फीमेल से तौक स्कोर भी जापरेंगे आप चार पांच मैंने तौक जाइए यहाँ भी मुझे कहीदेवी देखो एवं जो सब डिस्ट्रिक्ट थोड़े चेक करवा कौ डिस्ट्रिक्ट के स्कोर अच्छे आप निजे आनालीसीस करेंगे आउ थे यार कहीदे जदि डाटा 0.5 कि 1 मार्क एपट सेपट है टी यार आडजस्ट करने ट्राई करेंगे बट मो तरफ आकुरेट देखें मुझे ट्राई करती अनुगुल डिस्ट्रिक्ट 152.5 एससीबीसी मेल मान जाए जो मैंने एतिक रखें तो अधिक भी रखें डेफिनेटली से क्वालिफाई मुझे आउ थे कहीदे आप जो फाइनाल मेरिट लिस्ट मैंने फाइनाल जो स्कोर बनो डेफिनेटली आठ हाई बन रिजल्ट देखिकी तो मुझे बहुत पूरा सौ कहते एत हाई स्कोर गला कमी बिकज फाइनाल भी मेरिट लिस्ट आसबार अच्छे जोटी आहरी हाई स्कोर जीव ओके देखा कटक अच्छे 154.5 ओके जाजपुर भी 152.5 जाइए कोरापुट 130 जाए नयगढ़ 150.5 जाइए बौद्ध में 148 जाइए बरगढ़ में 145.5 जाइए आप जगत सिंहपुर 156 आप जिते भी डिस्ट्रिक्ट देखते हैं देखिपे जगत सिंहपुर भी आप हाई कटअप जाए देखो कटअप प्रीडिफाइन कराए आप नंबर अफ वैकेंसी के नंबर अफ पिला के अटेंड कर स्कोर कौ भाई जाइए सबुतक जिन फैक्टर कैसे जेहतु क्वेश्चन लेवल टी इजी थी कटअप टी हाई जाइए बट एक्सपेक्टेशन टू भी आहरी हाई जाइए
ଏଇଟା ତ ମୁଁ ମାନିଯାଉଛି ଓକେ, ଆମେ ଯେତିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି ତାଠୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହାଇ ଯାଇଛି ଓକେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 152.5 ହେଇଗଲା, ପୁରୀରେ 153.5, SCBC ମେଲ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ। ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି 149.5, ଟିକେ ହାଇ ଯାଇଛି ଓକେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବି 152 ହେଇଗଲା ଓକେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା 154 ଯାଇଛି, କହିଦେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା 154 ଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି 112.5 ଯାଇଛି, ରାୟଗଡ଼ା 127 ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଭଳି ଏରିଆ, ସେଠି ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋ ରୁହେ। ତାପରେ ବରଗଡ଼ରେ 150.5 ଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ 149 ଯାଇଛି, SCBC ମେଲ୍ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି SCBC ମେଲ୍, SCBC ଫିମେଲ୍ ଆଉଠୁ 3-4 ମାର୍କ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ ରହିଥିବା କଥା ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଗଞ୍ଜାମରେ SCBC ଫିମେଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛି, ମାନେ ରିଲେଟିଭଲି ମେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା 149, ଏଠି SCBC ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 136 ଯାଇଛି। ଏତିକି ଡାଟା ବାସ୍ SCBC ଫିମେଲ୍ର ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଓକେ। ଆପଣ ହେଲା କେଉଁଝର 144.5 ଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 144 ଯାଇଛି ଓକେ, ସମ୍ବଲପୁରର 136.5 ଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରର 153.5 ମାନେ ଭଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି। ସେମିତି ଗଜପତିର 118 ଯାଇଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର 145.5 ଯାଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 170.5 ଯାଇଛି SCBC ମେଲ୍ର, ଆପଣ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 154 ଯାଇଛି, ସେମିତି ଭଦ୍ରକର 153.5 ଯାଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 141 ଯାଇଛି, କନ୍ଧମାଳର 127 ଯାଇଛି, ନୂଆପଡ଼ାର 138.5 ଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 134 ଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍କୋର ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ମୋତେ କହିଦେବି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି SCBC ଫିମେଲ୍ର ବି ପିକ୍ କରିଥିଲି, ପଢ଼ୁପଟୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିଲି, ପୁରୀର ଚେକ୍ କରିଥିଲି 148 ଯାଇଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଟକର 147.5 ଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରର 140.5 ଯାଇଛି, ଯାଜପୁରର 146 ଯାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 150 ଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମର 136 ଯାଇଛି, ମାନେ SCBC ଫିମେଲ୍। ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର 149.5 ଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆପଣଙ୍କର 148.5 ଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କର ବି 150 ପାଖାପାଖି ବି ଟଚ୍ କରିଛି। ସେଇ କଥା କହୁଛି କଟ୍ ଅଫ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଉଥିବ ଯେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଇଏ ତ 3 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇଛି, ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫାଇନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 5-7 ମାର୍କ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିବ। ତ ୱରିଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନା ମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପିଲା ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ପିଲା 152.5 ରଖୁଛି କି 153 ରଖୁଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଏଇ ଆସୁ ନା ମୋର ସିଲେକ୍ସନ ହବନି, ବଟ୍ ଏତେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହା ହବ ସେ ପର କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍କୋର ମାନେ ଆସିନି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଓରିଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ ଭଲ ହେଲାନି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ହେବନି, ସେମିତି କିଛି କହି ହେବନି ଭାଇ, କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ପଳେଇବେ, ହୋପ୍ସୋ ଆପଣ ଆର ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ପଳେଇବେ। କିଛି ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ଏଠି ତ ମୁଁ 160, 165, 170 ସ୍କୋର କରିପାରିନି, ସେଠି କେମିତି ସ୍କୋର କରିବି ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି କହି ହୁଏନି, କେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସ ବି ବନିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ହୋପ୍ ହାରନ୍ତୁନି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ୟାର ଭେରିଫାଇ କରିନେବେ, ଚେକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ସବୁତକ SCBC ମେଲ୍, SCBC ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଏହା ମାନିକି ଚାଲିବେ ଯେ ଆଠୁ 4-5 ମାସ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର SC ST ସେ ତ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।